इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ, क्या गिवन है, वी गिवन है। एंटर द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी गिवन है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, बोर्ड के अंदर है, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, रूल नंबर वन। इलेक्ट्रॉन एंटर करते ही कैसे मूव करेगा, पैराबोला, सर्कल की स्ट्रेट लाइन, पैराबोला कैसे, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पैराबोला होता है, सर्कल। मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है तो सर्कल, तो अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, इट मूव्स इन अ सर्कल, ठीक किया हमने। दूसरा रिजल्ट, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो मैंने शॉर्टकट बताया था, सर्कल एंटी क्लॉकवाइज होता, पर क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो सर्कल कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज। तो पॉइंट नंबर वन क्लियर। चलो अगर नहीं भी याद रहता ये रिजल्ट तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी कैसे है बोर्ड के अंदर, बी कैसे है बोर्ड के अंदर, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पर ये चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो मैं रूल ऐसे लगाता, पर क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो मैं ऐसे करूंगा, ये ज्यूम करूंगा कि इलेक्ट्रॉन अगर राइट आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज कहां जा रहा होगा, लेफ्ट, चाहे है नहीं पर फिर भी वर्चुअली, तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज नीचे जाता तो फोर्स कहां लगती, नीचे, नीचे का मतलब ये पार्टिकल कहां जाएगा, नीचे। वैसे तो शॉर्टकट याद किया हुआ है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना चाहिए इसे, पर इलेक्ट्रॉन है तो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो शॉर्टकट क्लियर है। तो अब इसके अंदर बी पता है, वी पता है, ड्रॉ इट्स ट्रेजेक्ट्री, बन गई ट्रेजेक्ट्री। और ये बाहर क्यों आ गया, एक रूल किया था, अगर कोई चार्ज पार्टिकल अल्फा एंगल पर एंटर करता है तो अल्फा एंगल पे ही बाहर निकलता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है तो 90 पे ही बाहर निकलेगा सेमी सर्कल बना के। तो ये रिजल्ट भी क्लियर है, बन गई ट्रेजेक्ट्री, जो हमने लास्ट टाइम रिजल्ट किए थे उसको यूज कर लिया मैंने इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कितने समय में ये बाहर आएगा। समय निकालने का दो तरीके हैं, पहला रेडियस बताओ इसका क्या होगा, ये करने की जरूरत नहीं है, सीधा रेडियस का फॉर्मूला, जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो रेडियस क्या होता है, एम वी बाय बी क्यू, और चार्ज यहां पर ई फॉर इलेक्ट्रॉन है, तो इतने रेडियस में मूव करेगा, तो तुम यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करो, वेलोसिटी पता है, बी पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, सॉल्व करके क्या आ गया, रेडियस आ गया। तो तुम्हारे पास, तुम्हें समय निकालना है तो टाइम क्या होगा, टोटल डिस्टेंस पाई आर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, क्योंकि आपको वेलोसिटी पता है और आपने रेडियस यहाँ से निकाल लिया तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सेमी सर्कल में डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, पाई आर, और वेलोसिटी कितनी होगी, वी आंसर। वैसे मेरे पास एक और भी तरीका है, पूरा सर्कल अगर ये कवर करता तो टाइम पीरियड क्या होता, 2πm/bq, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने कैपिटल डी का, 2πm/bq, पर ये सेमी सर्कल है तो सिर्फ πm/bq, तो भी आंसर आता है। तो जैसे मर्जी कर लो, शॉर्टकट लगाना है शॉर्टकट लगा लो, तो तुम यहां पर टाइम पीरियड, वैसे फॉर्मूला होता है मैंने बताया 2πm/bq फॉर अ कंप्लीट सर्कल, सेमी सर्कल के लिए यहां से भी आंसर आएगा, तुम्हारी मर्जी है तुम पाई आर बाय वी कर लो या ऐसे कर लो, बात एक ही है। तो क्या ये पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 101% इनमें से कुछ ना कुछ आएगा, तो पहला रूल क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ, फिर से इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमेगा, सर्कल में अगर घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है तो बोलो रेडियस क्या होगा, एम वी बाय बी क्यू, तो कितने रेडियस में घूमेगा, 20 सेंटीमीटर रेडियस में घूमेगा, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, कैलकुलेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस बार तुम्हें रेडियस दे दिया तो तुम ये मत करो कि सेंटीपेटल फोर्स बी क्यू वी के इक्वल, मत करो, अब ऐसे लिखो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी बाय बी क्यू, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, बी क्यू रेडियस डिवाइडेड बाय एम। तुम्हें बी पता है, तुम्हें रेडियस पता है, तुम्हें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, वेलोसिटी आ गई, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला बनेगा ना, ये देखो सेम। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, तुम्हें अगर रेडियस निकालना है तो एम वी बाय बी क्यू, रेडियस गिवन है तो भी एम वी बाय बी क्यू, तो वहां से वेलोसिटी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, पहला आंसर आ गया, सही है। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टू एक्वायर द स्पीड, वो कह रहे हैं जी वेलोसिटी आपको दे दी है, इतनी वेलोसिटी आ गई है,
पर ये वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन ने खुद भाग के थोड़ा एक्वायर की, इलेक्ट्रॉन खुद थोड़ा भागता है, उसको तो भगाया गया होगा, कैसे, उसको पोटेंशियल में रख के, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में रख के, क्योंकि पोटेंशियल में रखने का मतलब है उसको एनर्जी दी गई कितनी, चार्ज इनटू पोटेंशियल, जिससे कि वो उसने काइनेटिक एनर्जी एक्वायर की और वी वेलोसिटी से वो भागा। तो यानी कि तुमने जब पोटेंशियल अप्लाई किया तो तुमने एनर्जी कितनी दी, चार्ज इनटू पोटेंशियल, इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसे इक्वेट करके पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड, आपको मास पता है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज पता है और वेलोसिटी हमने निकाल ली, सॉल्व करके पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। मेथड क्लियर है यहाँ तक कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें, कोई डाउट इसमें समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अगर वेलोसिटी पता है और अगर वेलोसिटी से पोटेंशियल निकालना है तो कुछ नहीं करना, वेलोसिटी आपको देगी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आ रही है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। स्टेप क्लियर है यहाँ तक? जैसे नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10^4 वोल्ट, तो तुम्हें वी दे रहा है, एंटर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी दे रहे है, आगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर का मतलब पार्टिकल वी मूव इन अ सर्कल, तो तुम्हें रेडियस निकालना है। तो एक्चुअल तरीका क्या है, रेडियस का फॉर्मूला तो बहुत स्टैंडर्ड है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आर का एम वी डिवाइडेड बाय बी क्यू, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, मास आपको पता है, चार्ज आपको पता है और मैग्नेटिक फील्ड भी आपको पता है, बस क्या नहीं गिवन, वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह वो आपको पोटेंशियल दे रहा है। पोटेंशियल देने का मतलब चार्ज इनटू पोटेंशियल से आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है, उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक के इक्वल कर देना है और यहां से वेलोसिटी को निकाल लेना है। तो पोटेंशियल अगर गिवन है और वेलोसिटी कैसे निकलेगी, समझ में आ रहा है ये स्टेप, कैसे, चार्ज इनटू पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से वेलोसिटी आ गई, इस वेलोसिटी को यहां पुट कर दें, तो जब मैं यहां पे पुट करूंगा इस वेलोसिटी को, मास को इसके अंदर लेके जाऊंगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर लेके जाऊंगा, एम स्क्वायर से एम कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर एम बच गया, तो ये आंसर आ गया। तो अब तुम एक फॉर्मूला रजिस्टर ओपन करो, जबरदस्त फॉर्मूला है, आज के बाद ये झंझड़ी खत्म हो जाएगा, मतलब ये पूरी असाइनमेंट दो लाइन में खत्म हो जाएगी। तो रेडियस का फॉर्मूला लिखो, रेडियस का फॉर्मूला होता क्या है, एम वी बाय बी क्यू, मतलब अगर तुम्हें क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है और तुमसे पार्टिकल का रेडियस पूछा जा रहा है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर इज इक्वल टू एम वी बाय बी क्यू। पर अगर तुम्हें वेलोसिटी नहीं पता और तुम्हें वी फॉर पोटेंशियल पता है तो तुम इसे मॉडिफाई करके ये फॉर्मूला नोट करें, ये देखो, ये करें, अंडर रूट ऑफ 2 एम क्यू वी डिवाइडेड बाय क्यू टाइम्स बी, ये नोट करें रेडियस का फॉर्मूला। अगर तुम्हें वेलोसिटी पता है फिर तो ठीक है, लगा दो, पर अगर तुम्हें वेलोसिटी की जगह पोटेंशियल पता है तो ये सब स्टेप्स बार बार करने का मतलब नहीं है, तो तुम सीधा यहां पोटेंशियल वी फॉर लिख लेना, हेयर वी स्टैंड फॉर पोटेंशियल, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वी पोटेंशियल है, तो अंडर रूट ऑफ 2 एम क्यू वी डिवाइडेड बाय बी क्यू, ये बहुत सही फॉर्मूला है, आपके बहुत प्रॉब्लम ठीक कर देगा ये, बस सीधा पोटेंशियल पुट करते रहो, आंसर आ जाएगा। सारी बुक्स ऐसी करती हैं, कोई बुक ऐसे नहीं करती, वो तो वन टाइम सिखा रहा हूं, ज्यादातर बुक सीधा फॉर्मूला लगाती है, आंसर आ जाता है। तो क्लियर है यहां तक फॉर्मूला? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला याद था तो मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता था, मुझे कुछ करना नहीं था, सिंपल एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज पता है, पोटेंशियल पता है, चार्ज पता है और बी पता है आंसर, तो वैल्यूज पुट करेगा काम रह गया। तो मेथड सबको समझ में आ रहा है कि क्या फॉर्मूला यूज करना है और कब करना है, सबने एंटर कर लिया फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन बीम पासिस थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बी पता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई पता है, तो इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में पास करने वाला है, दोनों फील्ड इकट्ठे हैं, बोथ एक्टिंग साइमल्टेनियसली, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स अनडिविएटेड, मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कल में घुमाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैराबोला में, लेकिन ये तो सीधा चला गया। तो केस नंबर 6 आपको याद होगा, लास्ट टाइम किया था, अगर अनडिविएटेड जाता है तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, ई बाई बी, तो स्ट्रेट वे यही फॉर्मूला लगेगा
आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है, दोनों की वैल्यूज को पुट करके क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। कोई डाउट? पहला केस क्लियर है? तो फाइंड स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक केस तो हो गया सॉल्व। ये प्रूव करने की जरूरत ही नहीं ना, सीधा फॉर्मूला लगाओ v इज इक्वल टू e बाई बी, बस। नेक्स्ट है, अब वो कह रहे हैं कि चलो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं और इलेक्ट्रॉन अनडेविएटेड जाता है तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। अगर मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया तो सिर्फ कौन सा फील्ड बच गया? मैग्नेटिक। तो पार्टिकल किस में घूमेगा? इन सर्कल। मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल, तो सर्कल का रेडियस क्या होगा? तो आर का फॉर्मूला लगा लो, एम वी बाई बी क्यू। इलेक्ट्रॉन का मास पता है, चार्ज पता है, वेलोसिटी हमने निकाल ली, ऊपर से पुट कर दें, और बी भी पता है, सॉल्व करके आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अकेला रह गया तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट। इस बार बीम ऑफ प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन एंटर कर रहा है, एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी पता है, विद अ वेलोसिटी ऑफ वी पता है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड। तो वी ने बी के साथ एंगल क्या बनाया? 60। मतलब क्या समझे? इस बार पार्टिकल सर्कल में नहीं है, किस में है? हेलिक्स में है। 90 डिग्री पे वी और बी बनेगा तो सर्कल है, और 90 से कम बनेगा तो हेलिकल पाथ है। और अगर भूल भी गए तो लिखा हुआ है फाइंड रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, इसका मतलब वो बता रहा है कि हेलिक्स बनेगा। अब आप चेक करो अपने फॉर्मूला का रजिस्टर, उसमें रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ क्या है? एम वी साइन थीटा बाय बी क्यू, एम वी साइन थीटा बाय बी क्यू। तो आपको इसमें मास पता है, आपको वेलोसिटी पता है, एंगल थीटा पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, और चार्ज पता है। तो आंसर आ रहा क्या? सही है यहाँ तक? फाइंड रेडियस आ गया, फाइंड पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच का फॉर्मूला चेक करो, पिच कैसे किया था? वी कॉस थी टाइन टू टी, फॉर्मूला जिससे चेक करो, कैसे सिखाया था? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी कॉस थीटा को एक चक्कर के टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दें। अब आपको इस केस में ऊपर जो आपने सॉल्व किया, तो आपको इस केस में वेलोसिटी पता है, आपको थीटा भी पता है। आप अगर टाइम पीरियड निकाल दें आंसर आ जाएगा। टाइम पीरियड निकालने के हमारे पास ना दो तरीके होते हैं हेलिक्स के क्वेश्चन, आपकी मर्जी कैसे मर्जी करें। ये फॉर्मूला तो क्लियर है, टाइम पीरियड निकालने का पहला फॉर्मूला, हेलिक्स का टाइम पीरियड एक चक्कर का होता क्या है? 2 पाई एम बाई बी क्यू। तुम्हें एम पता है, बी पता है, क्यू पता है, आंसर। सबसे आसान तरीका यही है। एक और भी तरीका है, हेलिक्स में एक चक्कर में डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? 2 पाई आर। और हेलिक्स में सर्कल में घूमने की वेलोसिटी हमेशा क्या होती थी? वी साइन थीटा। तो तुम 2 पाई आर बाई वी साइन थीटा करोगे या फिर 2 पाई एम बाई बी क्यू करोगे, आंसर दोनों में एग्जैक्टली सेम आएगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ दोनों करके, क्योंकि अगर बुक्स पढ़ते हैं तो कई किताबें ऐसे करेंगे, डिस्टेंस 2 पाई आर को वी साइन थीटा से डिवाइड करेंगी, और कई किताबें क्या करती हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाती हैं 2 पाई एम बाई बी क्यू, बातें खत्म। तुम्हें जो पसंद है तुम कर लो। तो यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा दोनों में से एक तरीके से, वी कॉस थीटा को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करके आपके पास पिच की वैल्यू आ जाएगी, आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, प्रोटोन प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी गिवन है। तो जो प्रोटोन है उसका मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है, ट्रेवल्स अलोंग अ हेलिकल पाथ ऑफ रेडियस गिवन। तो बी पता है, हेलिकल पाथ का रेडियस पता है, एंड पिच पता है, इस पर पिच भी दे दी। फाइंड कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोटोन अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और मास ऑफ प्रोटोन गिवन है। आपके पास हेलिक्स में वी वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट हुआ करते थे, वी कॉस थीटा और v साइन थीटा। तो तुम्हें v cos थीटा, v साइन थीटा दोनों निकालने हैं। तो पहला काम, रेडियस पता है, हेलिक्स का रेडियस का फॉर्मूला होता क्या है? एम वी बाई बी क्यू, नहीं, एम वी साइन थीटा बाई बी क्यू। तो हमने क्या निकालना है? v साइन थीटा, v साइन थीटा एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। तो ये वैल्यू आ गई, आपको b पता है, चार्ज पता है, r पता है, मास पता है।
चार्ज और मास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का दोनों याद करके आना, कोई क्वेश्चन आपको देगा नहीं, केमिस्ट्री से यहाँ पुट करना है और यहाँ से वी साइन थीटा की वैल्यू आ गई, एक आंसर आ गया वी साइन थीटा। अब क्या निकालना है, वी कॉस थीटा। वी कॉस थीटा के लिए ये तो लंबा तरीका है, आप पिच पे आ जाओ, पिच इज इक्वल टू वी कॉस थीटा इंटू टाइम पीरियड। तो तुम्हें क्या निकालना है, वी कॉस थीटा पिच बाय टाइम पीरियड। पिच 20 सेंटीमीटर गिवन ही है, मीटर में कन्वर्ट कर लें। और टाइम पीरियड निकालने के दो तरीके हैं, तुम्हारी मर्जी, तुम निकाल सकते हो भाई फॉर्मूला 2 पाई m/bq से भी, या तुम निकाल सकते हो 2 पाई r/ परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी कि वी साइन थीटा से, तुम्हारी मर्जी है। तुम यहाँ से 2 पाई r/vsin थीटा निकाल लो, वी साइन थीटा की वैल्यू तो है तुम्हारे पास तो भी आंसर आएगा, या फिर अगर ये नहीं क्लिक कर रहा तो 2 पाई m/bq तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ही टाइम पीरियड का, तो तुम यहाँ पर पुट करके आंसर निकाल लेना। कोई डाउट इसमें तो समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या लग रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, इस पे तो क्वेश्चन आना ही आना है, तीन पार्टिकल्स के ऊपर, और मैंने आपको फॉर्मूला रजिस्टर में लिखवा दिया था मास और चार्ज इनका क्या क्या होता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन देगा नहीं वो, ना ऑब्जेक्टिव में ना सब्जेक्टिव में, तो याद करके आना टेस्ट के लिए भी। तो तीन पार्टिकल्स हैं हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तीनों की सेम है, तो आर अलाउड टू पास थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो तीनों पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं तो दे विल मूव इन अ सर्कल, तीनों के तीनों पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंटर करते हैं तो सर्कल में मूव करते हैं, ठीक है। आपको कंपेयर करना है रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ, तीनों का रेडियस डिफरेंट होगा, क्यों डिफरेंट होगा, रेडियस का फॉर्मूला होता क्या है सर्कल में, आर इज इक्वल टू mv/bq, क्योंकि चार्ज और मास सबका डिफरेंट है, वेलोसिटी भी सबके डिफरेंट है, वेलोसिटी कैसे डिफरेंट है, काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ mv², क्योंकि मास सबका डिफरेंट है तो वी सबका डिफरेंट है, तो आर की वैल्यू तीनों की क्या होगी कंपेयर करके रेशियो निकालनी है। तो रूल नंबर वन ये तो याद ही करना है, ड्यूट्रॉन का मास 2 टाइम्स प्रोटोन का मास है और अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम प्रोटोन का मास है, पहला रिजल्ट। दूसरा, चार्ज ड्यूट्रॉन प्रोटोन का सेम है और अल्फा पार्टिकल का ट्वाइस है, क्लियर है यहाँ तक, ये याद रखना है। अब शुरू करते हैं, आर का फॉर्मूला mv/bq, पर क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कुछ गिवन है, उसे कहा कि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो के को यूज कैसे करना है समझ लो, वेलोसिटी के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो वेलोसिटी को निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी स्क्वायर क्या होगा 2 काइनेटिक/m, और यहां से वी की वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इस वेलोसिटी की वैल्यू को उठाओ और यहां पे पुट कर दो, तो तुम जब यहां पुट करोगे अंडर रूट ऑफ 2k/m और मास को अंडर रूट के अंदर लेके जाओगे तो एम अंडर रूट में जाएगा तो m² एम से एम कैंसल, तो ये रेडियस का फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला रजिस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट करो, आज के बाद हम कुछ नहीं करने वाले, रेडियस का फॉर्मूला वैसे क्या होता है mv/bq, अगर तुम्हें क्वेश्चन में वेलोसिटी ना गिवन हो काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तो तुम ये फॉर्मूला याद करो अंडर रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय pq, ये याद कर लो बस। तो आज के बाद हम ये पार्ट नहीं करेंगे, अगर हमें
काइनेटिक एनर्जी गिवन है के सीधी, तो हम रेडियस का डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आ रहा है यहां तक? बहुत सही शॉर्टकट है, बहुत टाइम बचाएगा आपका ये, अदरवाइज उलझे रहोगे इसमें सब्स्टिट्यूट करने में। तो ये सारा पार्ट आज के बाद ये सब बचाएगा आपका, आपका क्वेश्चन ही यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक, तो इसका मतलब मैं अगर फॉर्मूलाज की बात करूं तो रेड, अगर मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी गिवन है, तो रेडियस की जो वैल्यू है, अगर वेलोसिटी गिवन है तो रेडियस का फॉर्मूला वेलोसिटी की फॉर्म में क्या होगा, एम वी बाय बी क्यू। नेक्स्ट, अगर आपको वेलोसिटी नहीं गिवन, आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो बोलो क्या फॉर्मूला है, 2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय बी क्यू। अगर तुम्हें पोटेंशियल गिवन है तो 2m काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज चार्ज इंटू पोटेंशियल, याद करने की जरूरत नहीं है, k की जगह चार्ज इंटू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय बी क्यू। तीन फॉर्मूलेस, सही। और अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, वर्क एनर्जी पार में हमने किया हुआ है ये, मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड, तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आता है, और न्यूमिनेटर क्या है, मोमेंटम, ऐसे ऐसे, तो मोमेंटम का फॉर्मूला 2m इंटू के का अंडर रूट है। तो तुम ऐसे भी कर सकते थे, r इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय कितना, बी क्यू, तो तुम मोमेंटम की जगह पुट कर सकते थे अंडर रूट ऑफ 2m के बाय बी क्यू। बात एक ही है क्योंकि फॉर्मूला हमने ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ है, एक ही बात है। तो ये तीन फॉर्मूला बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तीनों फॉर्मूले में अगर वेलोसिटी गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन, काइनेटिक गिवन है तो ये लगा लेंगे, पोटेंशियल गिवन है तो ये लगा लेंगे, रेडियस आ जाएगा, तो कोई डाउट इसमें? तो तीनों फॉर्मूलाज को एक लाइन में नोट कर सकते हैं जहां पर आप फॉर्मूलाज एंटर कर रहे हैं। ठीक है यहां तक? ठीक है यहाँ तक? इसमें नेक्स्ट जो है ये देखो, तो अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जीज तीनों पार्टिकल्स की सेम है, तो तुम ये मत करना क्वेश्चन में, तुम सीधा यहां से शुरू करना। तो पहले तुम रेडियस लिखना प्रोटॉन का, तो यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, के तो सबका सेम है, बी तो सबका सेम है। फिर तुम फॉर्मूला लिखना ड्यूट्रॉन का, मास ऑफ ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, के तो सबका सेम है। फिर तुम लिखना अल्फा पार्टिकल का, मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा। फिर तुम्हें काम करना प्रोटॉन का रेडियस और ड्यूट्रॉन के रेडियस को, इन दोनों को डिवाइड करके ये रेशियो आ जाएगी, इसे इससे डिवाइड करके रेशियो आ गई। फिर तुम वैल्यूज पुट कर लेना, ड्यूट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल है, ड्यूट्रॉन का मास 2 times मास ऑफ प्रोटॉन है, तो ये कैंसिल कर करके रेशियो 1:2 आ जाएगी। फिर तुम रेडियस ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा को डिवाइड करना, प्रोटॉन और अल्फा को, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज पुट करना, अल्फा का मास पुट करना, रेशियो आएगी। फिर तुम दोनों रेशियोज को कंबाइन करना, ये प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का है और ये प्रोटॉन और अल्फा का है, तो ये 1:2 है, ये 1 है, तो 1:2:1 आंसर आएगा, ये आंसर है। तो रेडियाई की रेशियो इस तरीके से निकलेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्या फॉर्मूला लगेगा? क्लियर है? तो मतलब आपका ये काफ़ी स्टेप बचता है अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, उसके बाद तो रेडियस की रेशियो निकालनी है, मास और चार्ज पुट करते जाओ आंसर। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट, चार पार्टिकल है, कौन कौन से, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, अल्फा है, ये मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिए गए, तो ये डायग्राम गिवन है, बताओ इसमें से न्यूट्रॉन कौन है पहले? सी, क्योंकि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स तो लगाएगा नहीं,
तो वो तो सर्कल में मूव करेगा ही नहीं। तो ये रहा न्यूट्रॉन, इनमें इलेक्ट्रॉन कौन है? डी। कैसे? हाँ सही है, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो पॉजिटिव हैं, तो दो इकट्ठे होंगे, इलेक्ट्रॉन अलग है, ऑड है, तो वो अलग होगा। सही है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव है ना, और इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ऐसे सही, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, तो कैसे मूव करता था? शॉर्टकट एंटी क्लॉकवाइज। पर ये तो क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये कौन है? इलेक्ट्रॉन है। चलो इलेक्ट्रॉन है ये। चलो इलेक्ट्रॉन का फैसला हो गया, न्यूट्रॉन का फैसला हो गया। अब इनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन है? प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल कौन है? सॉरी, कौन, कैसे पता लगेगा? ए और बी में से दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनमें से एक प्रोटॉन है, एक अल्फा है, कैसे पता लगेगा? मास से, सिर्फ मास से ना, चार्ज से भी। तो तुम एक काम करो, तुम ना इसका रेडियस निकाल लो, एम वी बाई बी क्यू। तुम बस ये देख लो, एम वी बाई बी क्यू में दो पार्टिकल जब एंटर कर रहे हैं, तो बी तो सबका सेम है, वी भी सेम है, तो यानी कि रेडियस किस पे डिपेंडेंट है? मास टू चार्ज रेशियो पे। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम अल्फा पार्टिकल लो, तुम प्रोटॉन लो, दोनों के रेडियस को मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दोनों को डिवाइड करके रेशियो आ गई। यहां से मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन है और चार्ज डबल है, तो रेशियो निकाल लो, 2:1 आ गई। यानी कि आपको ये पता लग गया कि अल्फा पार्टिकल का रेडियस बड़ा है, प्रोटोन से डबल है, तो तुम रेडियस निकाल सकते हो मास और चार्ज रेशियो से। सही है। अब एक बात बताओ, जिसका बड़ा रेडियस है वो एल्फ है, अगर मैं ए का सर्कल बनाऊं तो ये बनेगा, और अगर मैं बी का सर्कल बनाऊं तो वो बड़ा बनेगा, तो फिर बी इसका मतलब एल्फ है, क्योंकि बी का रेडियस बड़ा है तो बी का सर्कल भी बड़ा है, तो बी एल्फ है तो ए प्रोटोन है। आंसर तो कैसे चेक करना है, समझ में आ रहा है? आपने रेडियस चेक कर देना है, और रेडियस में चार्ज और मास दोनों की रेशियो लेनी है, तो ही रेडियस चेक होगा, तो रेडियस चेक नहीं होगा, अकेले मास या अकेले चार्ज से कुछ नहीं होगा। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? तो लॉजिक क्लियर है। नेक्स्ट, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? देखो नेक्स्ट है, पार्टिकल जिसका मास एम है और चार्ज क्यू है मूव्स विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी वी अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो ये सीधा जा रहा था। इट एंटर्स अ रीजन कंटेनिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव जेड जेड एक्सिस। तो ये जेड एक्सिस का मतलब, नेगेटिव जेड का मतलब बोर्ड के अंदर, बना लो क्रॉस है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के इनसाइड है, नेगेटिव जेड एक्सिस। और मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां लाई कर रहा है? ए से बी, सारे जगह मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहां से यहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक्स इज इक्वल टू ए से लेके एक्स इज इक्वल टू बी तक है, ना इधर है ना इधर है। तो एक बात बताओ, जैसे ये एंटर करेगा तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, सर्कल में तो घूमेगा, और ये रूल है, अगर 90 पे एंटर कर गया तो 90 से ही इसे बाहर निकलना है, तो सेमी सर्कल बना के बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब सारा कुछ डिपेंड करता है इस विड्थ के ऊपर, क्योंकि अगर ये विड्थ छोटी हो गई तो इसका सर्कल बन नहीं पाएगा, सेमी सर्कल, और ये बाहर टेंजेंशियली बाहर निकल आएगा, और अगर ये खूब बड़ा है रीजन तो फिर सेमी सर्कल पूरा कंप्लीट करके बाहर निकलेगा। अब आप चाहते क्या हो, ये देखने वाली बात है। आपका क्वेश्चन ये चाहता है, मिनिमम वेलोसिटी भी बताओ,
सो दैट पार्टिकल कैन एंटर एक्स ग्रेटर देन बी। तो बस आप मुझे ये बताओ कि अगर आप ये चाहते हो कि आपका पार्टिकल बिल्कुल यहाँ से सेमी सर्कल, क्योंकि अगर आपका रीजन ये काफ़ी बड़ा है, मैंने बोला सेमी सर्कल आराम से बनेगा, पर अगर आपका रीजन यहाँ तक है यानी कि ए से बी तक, और आप चाहते हो कि बिल्कुल बाउंड्री को टच करके, ए और बी की बाउंड्री को टच करके पार्टिकल वापस आ जाए, तो पार्टिकल का रेडियस क्या होगा? बी माइनस ए, मान लो एक्स इक्वल टू जीरो, ओरिजिन यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस बी होगा, ये ए होगा, तो ये क्या होगा? बी माइनस ए। तो अगर मैं रेडियस को एग्जैक्ट बी माइनस ए पुट कर दूं, तो मेरा पार्टिकल बिल्कुल ए और बी की बाउंड्री को टच करता हुआ वापस आ जाएगा। और अगर मैं चाहता हूं कि ये टेंजेंशियली बाहर आ जाए, तो मेरा जो रेडियस है या जो डिस्टेंस है वो बी माइनस ए से थोड़ा सा कम होना चाहिए। अगर रीजन छोटा हो गया फिर ये बी के रीजन में एंटर कर जाएगा, फिर वापस सेमी सर्कल कंप्लीट कर नहीं पाएगा। तो यहां तक समझ में आ रहा है? ये सब डिपेंड करता है ये विड्थ कितनी है, पर इतना तो मानते हो कि अगर विड्थ एग्जैक्टली बी माइनस ए है और मैं चाहता हूं कि इसकी बाउंड्री को टच करके वापस आए, तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बी माइनस ए, तो आर इक्वल टू बी माइनस ए पे सेमी सर्कल की बाउंड्री को टच करता हुआ आ जाएगा। तो आर का फॉर्मूला होता क्या है? आप ये मत देखो, आप ये देखो आर का फॉर्मूला होता क्या है इसमें, एम वी बाय बी क्यू। तो इसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? बी क्यू आर बाय एम, आप ये लिख लें प्लीज। और आर की जगह क्या पुट कर सकते हैं यहां पर? बी माइनस ए। तो यानी कि अगर वेलोसिटी एग्जैक्टली इसके इक्वल है तो बाउंड्री को टच करता हुआ, बाउंड्री का मतलब ए और बी दोनों को टच करता हुआ ये वापस आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिनिमम वेलोसिटी इतनी तो चाहिए ही चाहिए ताकि बी की बाउंड्री को टच करते वापस आ जाए, पर आप चाहते हो कि अगर ये और इधर चला जाए तो ये वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन, ऑप्शन मार्क करना ऑब्जेक्टिव में। तो मगर ये चाहते हो बिल्कुल ही टेंजेंशियली निकल आए, सेमी सर्कल भी ना बनाए, तो फिर उस केस में ये ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर ये डायग्राम गिवन है आपको पेपर में कि ये तो बाउंड्री को टच करता हुआ आ रहा है, फिर तो इक्वल टू मार्क करना, मिनिमम वेलोसिटी यही है। तुम्हें वैसे ये इक्वल टू गिवन नहीं होगा, तुम्हें मिनिमम वेलोसिटी तभी पूछ रहा है, तो ये भी मिनिमम है, तो कम से कम वेलोसिटी तो होनी ही चाहिए ताकि ए और बी बाउंड्री को टच करता हुआ जाए। अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल आगे चला जाए तो वेलोसिटी इससे बड़ी होनी चाहिए, तो ये आगे निकल सक जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्लियर है, बी मिनिमम क्या होगा, कैसे निकलेगा, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? देखो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ यू, ठीक है, ये यू स्पीड से एंटर कर रहा है और सामने मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब वैसे वो क्वेश्चन तो बाद में पढ़े, अगर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करते और मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो सर्कल में मूव करेगा, और सर्कल का भी सर्कल कहाँ बनेगा? ऊपर ना बनेगा, नीचे बनेगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, याद करवा रखा है मैंने ये शॉर्टकट, बार बार फ्लेमिंग का रूल कौन लगाएगा, मैंने तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड याद किया हुआ है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के सामने इलेक्ट्रॉन राइट आ रहा है तो उसने नीचे क्लॉकवाइज जाना है और पॉजिटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज जाता। अगर मैं ये ना याद करूं तो मेरे को ना फ्लेमिंग के रूल लगा लगा के देखना पड़ता है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो ये तो मैं याद ही हो गया, तो इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? माइनस बी नॉट के, ये माइनस बी नॉट के नहीं है, ये बी नॉट माइनस के है, माइनस के कैप का मतलब बोर्ड के अंदर, और बी नॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी नॉट है और माइनस के कैप का मतलब बोर्ड के अंदर है, तो ये क्रॉस है, मतलब इसका मतलब क्रॉस है, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और बोर्ड के अंदर है, इतनी सी बात ये ऐसे बोलता है, समझ में आना चाहिए, ये ऐसे ही बोलेगा माइनस बी नॉट के। तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, वो क्या, इसमें चार ऑप्शन गिवन होंगी आपको, मैंने एक ही ऑप्शन लिखी है। पहला ऑप्शन गिवन होगा वी ग्रेटर देन यू, वी लेस देन यू, वी इक्वल टू यू, और y की वैल्यू लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ गिवन होगा। सीधा आंसर मार्क करना है, बताओ जब ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, ये नीचे जाएगा
ये ओरिजिन है क्योंकि पार्टिकल कैसे एंटर कर रहे अलोंग एक्स एक्सिस एंटर कर रहे ओरिजिन के अलोंग, ये वाई है ये एक्स है, तो बोलो जब ये नीचे जाएगा तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा कि नीचे नेगेटिव होता जाएगा, नेगेटिव नीचे जाने का मतलब वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो वाई क्या आएगा लेस देन जीरो, इसका मतलब वो नीचे वाई लेस देन जीरो का मतलब पार्टिकल नीचे जा रहा है अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। और वी और यू बराबर क्यों है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी एंट्री की अगर यू है तो नीचे जाने की भी वी है, ऐसा क्यों वी और यू बराबर है, सेम क्यों नहीं है, अलग क्यों नहीं है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी की वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं करती, हमने ऐसा तीन बार बोला था लास्ट टाइम, कुछ भी हो जाए मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती, डायरेक्शन चेंज कर सकती है, मैग्नीट्यूड इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का क्या रहेगा सेम, इसलिए वी इज इक्वल टू यू, कभी वेलोसिटी चेंज मत कर देना चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है एंटर कर रहा है तो नीचे जाएगा, समझ में आ रहा है, वाई लेस देन जीरो होगा, नीचे जाने का मतलब वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो वाई लेस देन जीरो, और वी यू के बराबर है क्योंकि पार्टिकल कभी वेलोसिटी अपनी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं करती, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेंस सेम। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है विद अ स्लिट सिस्टम एज शोन, तो इज टू बी यूज्ड एज अ मोमेंटम फिल्टर फॉर हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल, तो ये ना मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के बाहर है और ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये ना एक सोर्स है और एक डिटेक्टर है, कुछ नहीं दो स्लिट है, स्लिट का मतलब दो होल्स हैं, ये एक होल है ये दूसरा होल है, तुम क्या करते हो तुम ना यहाँ पर कुछ चार्ज पार्टिकल फेंकते हो अंदर की तरफ, प्रोटॉन फेंक दो, न्यूट्रॉन फेंक दो, इलेक्ट्रॉन फेंक दो, अल्फा पार्टिकल फेंक दो, चार पांच पार्टिकल फेंक दो, तो चार्ज पार्टिकल जैसे ही एंटर करता है वो मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल मूव करता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इतना सर्कल बना जाए कि रेडियस इतना रखे, यहाँ पर एक होल है तो फिर तो वो बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर उसने रेडियस कम या ज़्यादा किया, क्योंकि आर का फॉर्मूला एम वी बाई बी क्यू है और रेडियस जो घूमने का रेडियस है वो मास पे चार्ज पे वेलोसिटी पे सब पे डिपेंडेंट है, तो तुम कुछ भी चेंज करोगे रेडियस चेंज हो जाएगा, तो हो सकता है कोई पार्टिकल यहाँ टक्कर मारे इस स्लैब को टक्कर मारेगा तो बस खत्म, बाहर नहीं आ पाएगा, यानी कि स्लिट्स फिल्टर का काम कर रही हैं, स्पेसिफिक चार्ज को ही ये बाहर निकाल रही हैं, हर किसी चार्ज को ये बाहर निकाल नहीं सकती, सही है। अब वो कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि विद मैग्नेटिक फील्ड बी टेस्ला, जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, बी थी, इट इज फाउंड दैट फिल्टर ट्रांसमिट्स अल्फा पार्टिकल ईच ऑफ एनर्जी 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अल्फा पार्टिकल इसमें से बाहर आ गया, जब मैग्नेटिक फील्ड कितना था बी था, तो अल्फा पार्टिकल बाहर आ गया और कितनी एनर्जी से बाहर आया 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आ गया। फिर वो कहते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया 2.3 बी कर दिया, तो वो कहता है कि ड्यूट्रॉन्स बाहर आ गए, ड्यूट्रॉन्स भी बाहर आ गए, तो बोलो ड्यूट्रॉन्स की एनर्जी क्या थी, ये क्वेश्चन है, बाहर तो यहीं से आएंगे ना और तो कोई जगह ही नहीं है, तो एक चीज सेम है, जब अल्फा पार्टिकल बाहर आया, जब ड्यूट्रॉन बाहर आया, मैग्नेटिक फील्ड अल्फा में बी था, ड्यूट्रॉन में 2.3 बी था, एक चीज कॉमन है बोलो में क्या दोनों में, रेडियस, क्योंकि स्लिट तो चेंज ही नहीं की ना, डिस्टेंस तो स्लिट का वही है, तो रेडियस की वैल्यू दोनों में क्या एग्जैक्टली सेम। ये बहुत लंबा सॉल्यूशन कर रहा है क्या, इसका एक लाइन का सॉल्यूशन नोट करो, यहां पे नोट कर लो, रेडियस का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बोलो क्या करवाया था, अंडर रूट ऑफ 2mk डिवाइडेड बाय bq, सही है। तो पहले ये अल्फा पार्टिकल लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी अल्फा की लिख लेते हैं, चार्ज भी अल्फा का लिख लेते हैं और बी तो मैग्नेटिक फील्ड भी था। अब बात करते हैं ड्यूट्रॉन की, ड्यूट्रॉन के केस में 2 × मास ऑफ ड्यूट्रॉन कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ड्यूट्रॉन की कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2.3 भी करनी पड़ेगी, ड्यूट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है 2.3 भी है और चार्ज ये कर लेते हैं, सही है।
ये तो बहुत लंबा किया हुआ है, इतना तो जरूरत ही नहीं है करने की। तो रेडियस को इक्वेट कर दें, रेडियस इक्वेट करके अब वैल्यूज पुट कर लें। अब वैल्यूज पुट करने में अंडर रूट ऑफ 2, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटोन होता है। काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की कितनी गिवन है, चेक करना ऊपर कितनी थी, चेक करना क्वेश्चन में कितनी है, 5.3, ओके 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मैग्नेटिक फील्ड बी है और चार्ज 2 टाइम्स प्रोटोन है, इक्वल टू मास ऑफ जो ड्यूट्रॉन होता है वो कितना होता है, 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटोन है और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और 2.3b चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या, ये ड्यूट्रॉन नहीं आएगा, ड्यूट्रॉन आएगा सॉरी, ये डी लिखो यहाँ पे, तो चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन क्या आएगा, जो चार्ज ऑफ प्रोटोन है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने चार्ज क्या पुट किया था, मैंने ये थोड़ा गलत पुट कर दिया, ये 2 टाइम चार्ज ऑफ प्रोटोन पुट करना है ऐसे, और ये प्रोटोन पुट करना है ऐसे, अब सही है। ड्यूट्रॉन का चार्ज ई है तो अल्फा पार्टिकल का 2e है, तो ई से ई कैंसल, बी से बी कैंसल, 2 से 2 कैंसल, सॉल्व करके KD निकाल देना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। सिंपल है, इक्वेट करके काइनेटिक एनर्जी ड्यूट्रॉन के निकालनी है, अल्फा पार्टिकल की गिवन है, क्योंकि ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आंसर भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा।